कलेक्ट्रेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के सूचना निदेशक हेमराज बागुल ने आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, कोविड बूस्टर टीकाकरण चित्र रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 15 अगस्त 2022 तक नागपुर जिले और शहर में लागू किया जाएगा। इस अभियान में नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की गई है, जिसे 13 से 15 अगस्त के बीच लागू किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय पुणे महाराष्ट्र और गोवा, जिला सूचना कार्यालय नागपुर द्वारा तैयार किए गए ऑडियो क्लिप के माध्यम से नागरिकों के बीच तिरंगा फहराते समय नागरिकों को क्या करे क्या न करे के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाएगी। नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि वे खुद को कोरोना से बचने के लिए बूस्टर टीकाकरण का लाभ उठाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीतों के माध्यम से जन जागृति होगी। यह चित्ररथ जिले के हर तालुका में चला जाएगा। इस अभियान में जिला प्रशासक व जिला सूचना कार्यालय को सहयोग मिला। केंद्रीय संचार ब्यूरो के उपनिदेशक निखिल देशमुख के मार्गदर्शन में सहायक निदेशक हंसराज राउत, केंद्रीय संचार ब्यूरो नागपुर के तकनीकी सहायक संजय तिवारी, संजीवनी निमखेड़कर, नरेश गजकया और अन्य अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।